हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कृष्णा के बारे में। तो भाइयों, कृष्णा का एक ट्रैक आने वाला है 8 जनवरी को, और गाने का नेम है क्रॉस रोड्स, और ये है रॉयस डा 59 और हाई रेस के साथ में। पोस्टर आप लोग देख सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया कि 8th को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का इस ट्रैक के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं अपना बताऊँ तो मैं रॉयस डा 59 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या चीज़ आती है। तो इस अपडेट पे रागा ने भी रिएक्ट कराए, और इस गाने का पोस्टर शेयर करते हुए वो कुछ ऐसा लिखते हैं, व्हाट फकिंग न्यूज़ टू स्टार्ट 2021। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ रफ्तार के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि AK प्रोजेक्ट्स और रफ्तार की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है संगीन। तो फाइनली उस मूवी का काम स्टार्ट हो चुका है, और रफ्तार ने अपने इंस्टा पे कुछ ऐसी स्टोरीज डाली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ शेट्टी शाह के बारे में। तो भैया, शेट्टी शाह का भी एक ट्रैक आने वाला है इसी महीने, और गाने का नेम है इश्क बबल गम। तो अभी इसकी डेट्स नहीं पता है, पर ये एक लव सॉन्ग होगा, तो देखते हैं कब तक ये ट्रैक आता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ थोरट के बारे में। तो भैया, थोरट का भी एक ट्रैक आने वाला है, और उन्होंने एक स्टोरी डाल के बताया कि काम चालू हो चुका है, तो देख लो आप लोग। तो अगली खबर जो है वो रॉप्सी की तरफ से आ रही है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि कल रॉप्सी का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है, और एक और सरप्राइज बहुत जल्द आने वाला है, तो देखते हैं कब तक ये देखने को मिलता है। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो यो हनी सिंह की तरफ से आ रही है। तो भाई, यो हनी सिंह का जो अभी ट्रैक ड्रॉप हुआ था जिंगल बेल, वो अभी यूट्यूब पे 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, और 7 दिन तक वो ट्रेंडिंग पे भी था। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है यो के फैंस के लिए। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो बेला की तरफ से आ रही है। तो भाई, बेला का भी एक सिंगल आने वाला है जो कि उन्हीं के यूट्यूब चैनल से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो एमीवे की तरफ से आ रही है। तो भाई, एमीवे जो है वो कल लाइव आए थे अपने इंस्टा से, और वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए एमसी स्टैंड से रिलेटेड। लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया, और उन्होंने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर। यस यस, पूछो। सर, एमसी स्टैंड कैसा है सर? सब लोग के सवाल अभी वो लास्ट लाइव के बाद सब लोग के ऐसा एक ही सवाल आ गया है क्या? मेरे साथ मैंने बताया लाइव पे सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, एंड इवन ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। गॉड ब्लेस एवरीवन, सब अच्छा कर रहे हैं। अरे, वो गाने में कुछ लाइन बोला था आपके बारे में। मैं अभी फिलहाल अगले गाने के लगे तो मैं ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जब भी मैं देखूंगा इंशाल्लाह आई जस्ट अपडेट पब्लिक को। बढ़िया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम। अब अपने क्या सवाल लास्ट लाइव के बाद यही सवाल आ गए सब जस्ट कि हाँ, सबसे अपन भी सवाल पूछेंगे। दैट्स गुड, यू नो, मैंने जिसको भी ये सवाल है इस बारे में मैं ये बोलूंगा कि लाइक फिलहाल मैं अपने रिलीज में बिजी हूँ और अपने कुछ कामों में बिजी हूँ। मैं सुन रहा हूँ वंस इफ आई कम थ्रू दैट कि क्या सीन है, मेरे को फिलहाल कुछ आइडिया नहीं, बोलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, जस्ट वर्किंग ऑन इट। सो दोस्तों, ऐसे अच्छे म्यूजिक आएंगे, गाने सुने, इसी में मजे करो भाई। आजकल के जो रैपर लोग है भाई, वो तुम्हारे को कुछ भी बोल देते, लेकिन अपने को पता है ना भाई, तुम कहाँ से आए हो, कितना भाई गाने में भाई तुम्हारे दिखता है वो। सही बात है मेरे भाई, तुमको मालूम है, मैं बस उसी चीज से खुश हूँ ब्रो, मेरे को मालूम है ना। अपन लोग कैसे, अपन लोग जब शॉर्ट दे रहे हैं तब शॉर्ट दे देते, अपनी पब्लिक को कभी नहीं रहा, और अपनी पब्लिक को मालूम है अपन कहाँ पे, तो अपने को कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन अपने बारे में क्या बोले। क्यों? क्योंकि अपन अपने जगह पे अपन अच्छा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अपन एक नंबर है, अपन सही गाना डालते रहेंगे, अपनी पब्लिक के लिए डालते रहेंगे, पब्लिक खुश, अपन खुश, वही शॉर्ट। झंडे में दिख रहा था भाई के तुम्हारे अंदर का दर्द क्या है, लाइफ में वो पार्ट पे था जब ना वो काफी जोन ही वैसा था, तभी मैंने वो लिखा था इंतजार है उस वक्त का जब घूमूंगा मैं कार में, बिल्कुल। हाँ भाई, और आज ऐसा टाइम आ गया कि खाली नाम लेने की देरी है भाई, फेमस हो जाएंगे सामने वाले बंदे। हाँ, नाम लो फेमस। फैक्ट्स बोलती है बाप, सिर्फ फैक्ट्स बोलती है आग से। अभी एक बात है भाई, ये तुमने अभी स्टैन को भाई एक तो मतलब अच्छा ही बोले भाई कि वो अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, उसने अपने गाने में क्या बोला, बोलता कि मतलब एमवीवे के फैन लोग ने मेरे को मारे, ऐसा कुछ बोला उसने गाने में, चेक नहीं किए ना तुम भाई? नहीं, मैंने ट्रैक एक्चुअली सुना नहीं, मैंने मेरे को काफी लोग मैसेज करके बोल रहे ऐसा ऐसा सब, और मैं वो अपने रिलीज में बिजी था, न्यू ईयर में बिजी था, काफी सारी चीजों में बिजी था, मैं उस चीज में बिजी था तो मैंने चेक नहीं किया, बट लेकिन जो भी है मेरे हिसाब से अपनी पब्लिक बहुत हार्ड है और अपनी पब्लिक बहुत प्यारी है।
तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो बादशाह बाली और 47 की तरफ से आ रही है। तो भाइयों इनका जो गाना था हॉट लॉन्डे, उसका म्यूजिक वीडियो ड्रॉप हो चुका है, तो आप लोग जाके देख सकते हो, बड़ा हिला देने वाला म्यूजिक वीडियो है। और मैं अपना ओपिनियन दूं कि मुझे क्या चीज़ सही लगी इस म्यूजिक वीडियो में, तो बाली का जितना भी पार्ट था काफ़ी सही था, जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं और जो उनका कैमरा प्रेजेंस है नेक्स्ट लेवल है यार। और ये चीज़ उनके गाने में भी देखने को मिलती है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल गई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा म्यूजिक वीडियो। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है क्या ये प्यार, और यह है दीप हॉक्स का। और ट्रैक के बारे में बात करें तो रेट्रो वाइब्स ट्रैक है, तो आप लोग ये ट्रैक जाके सुन सकते हो। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगा है, और दीप का जो सिंगिंग पार्ट है वो काफ़ी लाजवाब है। जरूरत नहीं पीलू शराब जब तू लगे दूर तब नहीं यादों के बनने हैं तेरे चलता हूँ रास्तों में जब आंखों में आंसू हैं मेरे देखे ना किसी को दर्द। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।